नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो बहुत काम का है अगर आप लोगों क्रेडिट कार्ड लिए हैं या लेने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे आज हम आपको बताने वाले हैं NESL ये क्या है। जब भी एक लोन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको ई साइनिंग करवाना पड़ता है आधार OTP के थ्रू। अगर आपका ECS बाउंस होता है, अकाउंट में पैसे नहीं रहते हैं, तो भी इनके तरफ से मेल आता है। ये क्या है NESL, इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है, कौन है, चलिए हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। दोस्तों, यहाँ पे 2016 में इसको लाया गया। एक कंपनी है जो कि इसको नेशनल गवर्नमेंट तरफ से इसको रजिस्टर किया गया है, मान्यता मिला है, एक प्रकार से गवर्नमेंट का ही काम है। अब इसमें 2016 से इसको लाया गया है, 2016 के पहले जितने भी लोन क्रेडिट कार्ड लोगों ने लिया, डिफॉल्ट किया, तो रिकवरी वाले से ही परेशान हुए और कोई लफड़ा नहीं हुआ, वो बच के निकल गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ और पेमेंट भी नहीं कर पाए, राइट ऑफ हो गया, सिविल खराब हो गया। बट ये जो NESL है, इसका मतलब क्या है, एक कौन है दोस्तों, यहाँ पे एक बीच का एजेंट मान लो। कहने का मतलब है बैंक और कंपनियों ने इनके संग टाइप किया है, रजिस्टर किया है। जब भी लोन क्रेडिट अप्लाई करोगे तो आपका जो डिटेल्स है आपको आधार OTP के थ्रू वेरीफाइड करना पड़ेगा इनके साइट के थ्रू। तो आपका जब प्रोसेस हो जाएगा तो आगे वाला प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। सवाल यहाँ पे ये है कि कैसे ये आपका प्रॉपर्टी मकान का पता लगा सकते हैं। जब भी किसी कंपनी बैंक का क्रेडिट कार्ड का ड्यू बाकी है, पैसा आपने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक और कंपनी इनको रिपोर्ट करेगी। ये बीच का एक प्रकार से एजेंट है और ये भी चार्जेस लेते हैं ओनली हेल्प करने का। तो अब जो है ये क्या करेंगे, आपके पास एक ईमेल करेंगे। अगर मान लो आपका ECS बाउंस हो गया, मान लो ये अपने एक कंपनी बैंक से लोन ले लिया, ECS बाउंस हो गया, तो जब बैंक और कंपनी वाला इनको रिपोर्ट करेगा कि मैंने आपके संग टाइप किया है, मैंने लिंक किया है, एक कस्टमर का डिटेल्स है, आप एक कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, तो ये आपके पास ईमेल करेंगे कंफर्मेशन के लिए कि वहां पे आपको एक लिंक आएगा, ईमेल में क्लिक करके आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आधार OTP थ्रू कि हाँ भैया मैंने लोन लिया है। अगर आप लिंक पे क्लिक नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट करते हैं तो ये वेरीफाइड होता है कि आपने लोन लिया है। अब इसके बाद अब पैसा पे नहीं करोगे तो ये काम क्या करेगा कि ये आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड से आपका डिटेल्स का पता लगाएगा कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है या फेक है। काफी लोग लोन क्रेडिट कार्ड लेते हैं, पैसा पे नहीं करते हैं, उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन होती है, कुछ लोग का प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं होता है, पैसा होता है, पे नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें होगा क्या कि आपके नाम पे क्या है, प्रॉपर्टी है, क्या है आपके नाम पे, ओनली आपके नाम पे, आपके पिताजी का नाम पे अटैच नहीं कर सकते। तो आपके नाम का पता लगाएंगे, आपकी प्रॉब्लम अगर जेन्युइन नहीं है, आप फ्रॉड काम कर रहे हैं, पैसा जान के पे नहीं कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट किसको देगा, बैंक को देगा, कंपनी को देगा। आप इतनी प्रॉपर्टी को लेकर जब अमाउंट बड़ा है तो कहां पे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हमने यहां से लिंक किया था और ये पैसा कस्टमर देना नहीं चाहता है, इसके पास ये चीजें हैं। तो उस पे अगर कोर्ट परमिशन दे देता है तो आसानी से आपके नाम की जो प्रॉपर्टी है, जो चीजें हैं, वो अटैच हो सकता है। अनसिक्योर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, पहले आपने क्या लिया, क्या किया मुझे नहीं पता, बट अब का नियम बहुत अलग है। तो अगर आपने एक साल दो साल पहले कार्ड अगर बनवाया था तो ई साइनिंग NESL का करवाया गया था, अब उसके बाद जो करवाए थे उसमें तो नहीं हुआ था, तो आपको मैं बता दूं कि एक पूरी तरीके से क्यों लाया गया। काफी लोग रिकवरी एजेंट थ्रू आत्महत्या कर लिए, अपनी जान दे दिए, इसको देखते हुए इसको लाया गया कि किसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, किसकी प्रॉब्लम फेक है, ये पता लगाएगा, पूरा काम एकदम रहेगा, वो भी आपके नाम पे कितना पैसा जमा है अकाउंट में, आधार तो लिंक है, अब तो वोटर आईडी भी लिंक कर दिया गया है, सारी बातें पता आपको है, ये पता लगा लेगा। अगर सच में आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, सिविल खराब होगा, आगे वाला प्रोसेस क्या होगा, कुछ नहीं होगा,
बट अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है, अगर मान लो आप फ्रॉड कर रहे हैं, पैसा देना नहीं चाहते हैं, तो आप मुसीबत में आ सकते हो। तो इसीलिए बैंक और कंपनी वालों को अब टेंशन नहीं है, खुलेआम क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात करूँ, ICICI बैंक की बात करूँ, HDFC बैंक की बात करूँ, SBI बैंक की बात करूँ, तो सभी लोग क्रेडिट कार्ड हाई लिमिट से दे रहे हैं और लिमिट भी इंक्रीज कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका क्रेडिट कार्ड काफी ओल्ड है उनकी लिमिट ये लोग इंक्रीज जल्दी नहीं कर रहे हैं, जिनका न्यू है मतलब कर दिया जा रहा है। रीजन ये है कि अब इनको एक सिक्योरिटी मिल गया है। तो ये है NSL का काम। अगर आप ये गलती करते हैं तो आप इस मुसीबत में आ सकते हैं। तो याद रखना, आप अगर आपका कार्ड अगर जल्दी का है, अगर आपका लोन आपने लिया है, पेमेंट टाइमली करना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब ये मत बोलना कि मेरा लोन अनसिक्योर है, ये अनसिक्योर के लिए मैं बता रहा हूँ। ये मसला कि मैं सिक्योरिटी लोन नहीं लिया हूँ, मेरा अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लोन है, मुझे दिक्कत नहीं होगा, तो ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। RBI गवर्नमेंट काफ़ी हद तक एक्शन में आ रहा है, ये बातें याद रखना। तो आप जान चुके हैं इसके बारे में, और ओनली इस जो क्राइम हो रहा है उसको खत्म करने के लिए ये नियम लाया गया है। तो आप समझदार हैं। बाकी लास्ट में एक बात और कहूंगा भाई, ऐसा कर्म ही ना आए इसके पहले ही अगर टाइम से आपने लोन क्रेडिट कार्ड खर्च किया है, तो ईमानदारी से पेमेंट करो, सबसे अच्छी बात। बाकी आपकी मर्जी, आपने जान लिया इसके बारे में तो आप इसमें क्लिक करके ईमेल आता है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये है रियलिटी। बट बड़ा अमाउंट पे खतरा है, छोटे अमाउंट पे उतना दिक्कत आपको नहीं हो सकता है, बट फिर भी आपको ईमानदारी दिखाना, पैसा पे करके रहना है। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नर्व साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।